ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ऐसी न्यूज, सत्य सटीक विश्वसनीय। नमस्कार, आईसीएन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुकाती आपके साथ। नगर परिषद के चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले वार्ड क्रमांक 5 से हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। यदि इस वार्ड की भूमिका पर नजर डाली जाए तो पूरे नगर इच्छावर के 15 ही वार्डों में यह सबसे प्राइम वार्ड माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा के दो नेता पार्टी से अलग होकर इस वार्ड में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी नगर के अपने सबसे आकर्षक चेहरे को इसी वार्ड से चुनावी मैदान में उतारा है। और अगर बात की जाए इस वार्ड की खासियत की तो इसमें प्राचीन मस्जिद मौजूद है, साथ ही साथ एक कुआं जो कि कई वर्ष प्राचीन है, तथा इस वार्ड में 4 समुदाय के लोग बराबर संख्या में भी मौजूद हैं। ये जानते हैं क्या है ग्राउंड जीरो पर हकीकत वार्ड क्रमांक 5 की। सुनिए नेताजी एपिसोड के अंदर आज हम वार्ड नंबर 5 के भ्रमण पर हैं और हमारे बीच में वार्ड नंबर 5 के एक जागरूक मतदाता हैं। आइए हम उनसे वार्ड के बारे में बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश जैन। राजेश जी, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं होंगी? हमारे वार्ड में वैसे सब काम हो चुके हैं, रोड है, नालियाँ हैं, कंक्रीट गलियाँ हैं, लेकिन पानी की समस्या है। और पानी की समस्या ये है, गंदा पानी आता है और जो अभी फिल्टर प्लांट लगा हुआ है वो सही काम नहीं कर रही है, इस कारण पीला पानी आता है। कभी साफ़ आता है तो जम जाता है बाल्टियों के अंदर। पानी की बहुत समस्या है, गंदगी की। अच्छा, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट? हाँ, कहीं कहीं वो भी गायब है गलियों के अंदर। रोड पे है उजाला, गलियों में अंधेरा है। हमारे बीच में इस वार्ड के एक जागरूक मतदाता हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरिनारायण कुंभकार, एडवोकेट। हरिनारायण जी, आपके वार्ड के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे वार्ड के अंदर समस्या सबसे बड़ी ये है कि पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, और चूँकि पानी जब ऊपर नहीं चढ़ता है तो लोगों को नीचे गलियों में ला कर पंप लगा कर पानी वहत करना पड़ता है। दूसरा ये है कि साफ़ सफाई तो होती है, ऐसा नहीं कि पहले भी मतलब अच्छी व्यवस्था रही है साफ़ सफाई में तो। और बाकी छोटी मोटी समस्याएँ इस टाइप की रहेंगी कि जैसे लाइट की थोड़ी सी एक समस्या हमारे यहाँ। लाइट की कैसी समस्या? लाइट के क्या है कि वो जो लाइट है वो हमारे जो वोल्टेज सब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए वोल्टेज समस्या आती है लाइट की। पूरे वार्ड के अंदर यही समस्या है? पूरे वार्ड के क्या है, उन्होंने अभी डिवाइडेड किया था, या डीपी कोई जल गई थी जैसा बता रहे थे, तो उस समय को डिवाइडेड किया था, आधे घरों में मिलती कभी नहीं मिलती इस तरह। आईसीएन की टीम लगातार जो 15 वार्ड हैं उनका क्रम दर क्रम जो है दौरा करती जा रही है, तो आज हमारी जो टीम है वार्ड क्रमांक 5 में पहुंच चुकी है। दूसरी बात बता दूं कि इस वार्ड को अमेजोन प्राइम भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इस वार्ड में काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं। तो आइए बात करते हैं भाजपा के प्रत्याशी जितेंद्र मकरिया जी से। जितेंद्र जी, आपके वार्ड में कितने वोटर हैं तकरीबन? मेरे वार्ड में 778 वोटर हैं और 50-50 महिलाएँ भी हैं और जेंट्स दोनों 50-50 हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड में कोई समस्याएं हैं, ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो हैं, बाकी काफ़ी बीजेपी ने दूर करी है, अपनी टीम ने और अपनी पार्टी ने बहुत तेज़ी से काम करा है। और कुछ नालियों की शिकायत है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है मेरे वार्ड में तो पानी की। मेरा घर, मोहल्ला, परिवार सब लोग टेकरे पर ऊपर रहते हैं, कबाड़ीपुरा हुआ, चाहे कुमारपुरा हुआ, चाहे वो हुआ, इन लोगों को पानी की बहुत समस्याएँ हैं। उसके लिए हमें बाहर आकर मोटर वगैरह सबको लगाना पड़ती है, उसमें आने जाने वालों को सबको तकलीफ़ आती है, सफाई की कमी होती है। जहाँ कोशिश हो सकेगी 100% हमारी बीजेपी जो है इस काम को सबसे पहले करेगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो जो गरीब हैं, जिनको कुटी नहीं मिली है, उनकी कुटी की अपने को बहुत आवश्यकता है, और जिनको देना है देना चाहिए ईमानदारी से। जैसा कि सवाल ये है कि आप राजनीति में पहली बार आए हैं, तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड या परिवार से कोई जुड़ा हुआ सदस्य, या पहली बार ही है? नहीं नहीं, होने पे तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन हमारे परिवार से सब लोग बने हुए हैं पार्षद, उन्होंने सेवा भाव काम कर्म सब करे हैं, और कभी भी ये नहीं सोचा है कि अपन कुछ कमाएं, केवल सेवा ही अपना सबसे बड़ा वो है। और बीजेपी का ये संकल्प है कि पूरे इछावर में बीजेपी ही लहरा है।
दूसरी बात ये कि अगर आप पार्षद बन के आते हैं भविष्य में तो आप क्या करेंगे ऐसा आपके वार्ड के लिए जो सबसे अलग होगा? मैंने जैसे आपको बताया पानी सबसे बड़ी चीज़ है। पानी, पानी के दो रूप हैं यहाँ। कोई कहता है गंदा है, कोई ये है, कोई वो है। पिछली सरकारें बैठी उन्होंने कोई काम करा ना कुछ करा है, और 5 साल अपन ने खराब ही। एपिसोड के अंदर आज हम वार्ड नंबर 5 के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं बृजेंद्र तिवारी, उनसे वार्ड के संबंध के अंदर बातचीत करते हैं। बृजेंद्र जी, आपके वार्ड में कितने मतदाता होंगे? मेरे वार्ड में टोटल 778 मतदाता हैं, जिसमें लगभग 400 पुरुष हैं, बाकी की महिलाएं हैं। बृजेंद्र जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्याएं क्या होंगी? ये एक वाहिद ऐसा वार्ड है इस पूरे इछावर नगर का जिसके अंदर की चार पहिए की गाड़ी किसी भी तरफ से इस वार्ड के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके लिए भी मतदाताओं को दिक्कत होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि इन सब चीज़ों का भी मैं निदान करूं। और हालांकि मुख्य समस्या इस वार्ड में जो है वो पीने के पानी की समस्या है। अभी भी मैं देखता हूं, हालांकि पहले जब मैं पार्षद रहा हूं पूर्व में, तो उसमें वार्ड नंबर 3 से मैं पार्षद रहा था कांग्रेस का, उस समय मैंने वहाँ पर पानी और इन सब समस्याओं को लेकर काफ़ी कुछ किया था। यहाँ की समस्याओं को मैं देखता हूँ कि गली के ऊपर, कोने के ऊपर इतनी दूर दूर से लोग अपनी पानी की मोटरों को यहाँ पर लगाते हैं। मैं देखता रहता हूँ, किसी गली के मुंह पे 10 तो किसी के मुंह पे 15। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन मतदाताओं को कभी भी पानी पीने के लिए ऐसी स्थितियाँ ना बने कि उनको गली तक अपने जो है पाइपलाइन लेके और पानी भरना पड़े। मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि उनके घर तक, मैं उनके नलों तक इस पानी को पहुँचा सकूँ। बृजेंद्र जी, लोगों का ऐसा मानना है कि आप पार्षद के साथ अध्यक्ष के प्रत्याशी भी हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं पर नज़र नहीं आ रही है। अभी तक कोई कांग्रेस का लीडर नहीं आया है, ना ही कोई कैंपियन कांग्रेस को लेकर कोई चलाया जा रहा है। क्योंकि नगरीय निकाय में सबसे आखिरी जो चरण है उसमें 13 तारीख को इछावर में मतदान है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो भी हैं हमारे, चाहे अभय मेहता जी हों, चाहे शैलेंद्र पटेल जी हों, बलबीर जी हों, ये अपने अपने एरिए में, चूँकि अब ये जनपद के भी चुनाव अभी थे और लगभग 6 तारीख को ये मतदान सीहोर ज़िले की और भी तहसीलों का जो है वो निपट जाएगा। 6 तारीख के बाद ये तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आएंगे और हम लोगों के लिए, प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर वोट की अपील करेंगे। 6 तारीख के बाद ये सभी लोगों का आने का निश्चित प्रोग्राम बन चुका है। सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।